ए वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर लेक्चर नंबर 5। और इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्या है। सेकंड हमने ये देखा था कि प्लांट के अंदर जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है। फिर हमने बेटा थर्ड लेक्चर के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म पढ़नी थी जैसे वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। इनके बारे में हमने बात की। फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जाना। ये दोनों फैक्टर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से वाटर जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। आज हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल जो है वो किस तरीके से करता है और ये फोर्स कैसे काम आती है। अब देखो बेटा बेसिकली होता क्या है। टॉपिक का नाम है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जो है पढ़ने की इसको एक एक्स्ट्रा जो है एफिशिएंसी क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि बेटा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में एक बंदा था डिफ्यूजन। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्लो था। अगर इसको 50 माइक्रोमीटर बेटा बहुत चिना सा वो होता है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस का ट्रेवल होता है। अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये 2.5 सेकंड लेता था। और इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। और अगर बल्क में, प्लांट के अंदर बल्क में चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है, बल्क मास में, मतलब बहुत सारा पानी, बहुत सारा फूड, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की बेटा, वैस्कुलर बंडल, जो कि किस किस चीज़ के होते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम, जिनसे जो भी फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांसलोकेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से दो प्रोसेस जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाइलम के अंदर देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है आपका प्लांट के अंदर जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास प्लांट है, ठीक है, इसकी यहाँ पे क्या होती है बेटा, ऐसे रूट्स होती हैं। सबसे पहले सोइल में से वाटर जो है वो अपटेक होता है, ठीक है, मैं बोलता हूँ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है सबसे फर्स्ट। उसके बाद इस वाटर को अपसाइड जो है वो लेके जाना है, ठीक है, इस वाटर को जो है ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो मैं बोलता हूँ सेकेंड स्टेप होगा मेरा वाटर अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मेरे पास दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, मतलब रूट के अंदर वाटर डालना, रूट से वाटर को जो है जाइलम तक पहुंचाना सोइल से, वो क्या होगा बेटा, अपटेक ऑफ वाटर होगा। इसके लिए मेरे पास दो मेथड है, एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मेथड से ये बेसिकली बाहर जो पानी है सोइल में वो जाइलम तक जो है वो पहुंच पाता है, ठीक है। और वहीं अपवर्ड मूवमेंट जो है वो दो प्रेशर की वजह से होती है, एक तो रूट प्रेशर और एक ट्रांसपिरेशनल पुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे सपोज करो बेटा ये मैंने एक सेक्शन जो है वो कट किया हुआ है जो कि रूट का डाइसेक्शन है, ठीक है। रूट को इस तरीके से कट करके ऐसे वी शेप में, जैसे मान लो ये मेरे पास रूट है, रूट हेयर है, ठीक है, ये मेरे पास एक रूट है, ठीक है, इसके इस तरफ इस तरीके से एक हेयर है, मैंने इसको ऐसे वी शेप में कट किया हुआ है, ऐसे दिखा रहा हूँ इसके ऐसे पोर्शन को, ठीक है, इस तरीके से गोल चीज़ है उसको मैंने इस तरीके से कट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक पोर्शन है ऐसे, यहाँ पे सेंटर में मेरे पास है जाइलम, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये है रूट हेयर, क्या है बेटा, रूट हेयर, ठीक है, इसके आसपास होता है बेटा वाटर, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है कि जो रूट हेयर होते हैं वो सोइल से वाटर को अपटेक करते हैं, ठीक है, वो सोइल से वाटर को अपटेक करते हैं। कैसे अपटेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले मिनरल्स को एक्टिवली कुछ एनर्जी खर्च के, ठीक है, एक्टिव मतलब सॉरी एटीपी का यूज करते हुए कुछ मिनरल्स को अपने रूट हेयर में जो है वो ले लेते हैं। अब होगा क्या, रूट हेयर के अंदर
कंसेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई किसकी, मिनरल्स की। अब जब कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई मतलब वाटर पोटेंशियल रूट हेयर के अंदर कम है और बाहर वाटर ज़्यादा है, तो होगा क्या कि बाहर जो वाटर है सोइल में वो वाटर पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा है उससे वो कम पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि रूट्स जो है वो वाटर को अपटेक कर लेगी। ठीक है, अब रूट हेयर ने वाटर को अपटेक कर लिया, अब ये वाटर जो है जाइलम तक जो है पहुँचाना है। इसके दो मेथड होते हैं बेटा, एक होता है मेरे पास एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट। ठीक है, ये मेरे बीच में कई सारी तरीके की सेल है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एंडोडर्मिस की सेल है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये कोर्टेक्स होंगी। ठीक है, कोर्टेक्स की सेल होगी। इस तरीके से मेरे पास ये डिफरेंट तरीके की सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट तरीके की सेल्स जो है बेटा वो मेरे पास प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से वाटर अपटेक हुआ। अब ये वाटर जो है वो दो तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, किन दो तरीके से, जैसे सपोज करो बेटा ये सेल है। ठीक है, या तो देखो मैंने यहाँ पे ये सेल बनाई हुई है, या तो वो इन सेल के ऐसे बीच में से स्पेस में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, उनके बीच में से जाए। ठीक है, इनके बीच में से इस तरीके से होता हुआ जाए, जैसे मान लो मैं एक ठीक है ब्लू कलर ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो बेटा वो इस तरीके से ऐसे बीच में से जाए, बीच में से बिना सेल को बिना सेल के अंदर जो है वो एंटर ना करे, ऐसे बाहर बाहर जो है वो मूव करता हुआ जाइलम तक पहुँचे। ठीक है, सेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ऐसे उसको मैं बोलता हूँ बेटा ट्रांसपोर्ट को एपोप्लास्ट। और सिम्प्लास्ट बोलता हूँ जब वाटर जो है एक सेल के अंदर पूरा एंटर हुआ, उसके साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग चलती रहती है, प्लाज्मोडेसमेटा कनेक्शन है, तो प्लाज्मोडेसमेटा कनेक्शन के थ्रू बीच में से सेल के बीच में से होता हुआ जो है आगे तक पहुँचता है जाइलम तक। ये ट्रांसपोर्ट होता है बेटा सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। अब होता क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी ये होती है कि एपोप्लास्ट जो है जो कि इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में से जा रहा था, या फिर बेटा मैं कई बार ये बोलता हूँ कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में से भी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऐसे इनके पास पास ऐसे जाता हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इनके साथ साथ भी हो सकता है, या फिर सेल वॉल के पास से भी गुजर सकता है, या सेल वॉल के अंदर से गुजर सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में से नहीं गुजर रहा। ठीक है, मतलब डेड टिश्यू से गुजर रहा है। ठीक है, वो है मेरे पास एपोप्लास्ट। लेकिन होता क्या है, जब ये इस एंडोडर्मिस के पास आता है, जब ये एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस के पास आता है, तब इसको रास्ते में यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है। क्या मिलती है बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है जो सुब्रिन की बनी हुई होती है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो इम्परमीबल होती है वाटर के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये इस कॉर्नर से जो है पास आउट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या करता है बेटा, इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि ये सेल के अंदर जाए, इसलिए जरूरी है कि ये सेल के अंदर जाए। ठीक है, इसलिए जरूरी है बेटा कि ये सेल के जो है वो अंदर से होता हुआ जाए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे टोटल टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट या अब्जॉर्प्शन जो है वो हो गए हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। पहला, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में एपोप्लास्ट जो है वो जनरली डेड टिश्यू से हो रहा है, ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर से हो रहा है, सिम्प्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर से हो रहा है। एपोप्लास्ट नॉन लिविंग सिस्टम है, जनरली डेड टिश्यू है, और यहाँ पे लिविंग टिश्यू है, साइटोप्लाज्म जो है लिविंग टिश्यू है। साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो वो स्लो जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि एक बार आपको रोड पे जो है रन करना है और एक बार आपको नदी में रन करना है, आप रोड पे जो है वो आसानी से रन कर पाओगे, तो यही है कि एपोप्लास्ट में जो है फास्ट मूवमेंट होती है, लेकिन सिम्प्लास्ट में जो है वो स्लो मूवमेंट होती है। ये रूट की कैसी स्टेट है, मेटाबॉलिक कैसी स्टेट है, रूट के अंदर जो सेल है, यहाँ पे मैं बोलूँगा बेटा रूट सेल की जो स्टेट है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रूट के अंदर ही नहीं जा रहा, रूट की सेल के अंदर ही नहीं जा रहा एपोप्लास्ट। लेकिन सिम्प्लास्ट जो है वो रूट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रही है, जो उसकी सेल की कंडीशन है, उनके ऊपर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। एपोप्लास्ट में वो कोई सेल के अंदर ना जाके उसको कोई सिग्नल नहीं लगाना। ठीक है, एपोप्लास्ट में वो बार बार घूम रहा है, खाली जगह पे घूम रहा है, उसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जब वो किसी के घर में एंटर करते हुए जाएगा तो उसे बेटा कई बार एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। सो मैं ये बोलूँगा कि एपिप्लास्ट जो है वो पैसिव है और सिम्प्लास्ट जो है वो आपका पैसिव एंड एक्टिव दोनों हो सकता है। ओके सो ये है मेरे पास एपिप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के डिफरेंस। अब मेरे पास बात आती है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, फैक्टर जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट कि पानी कितना है सोइल के अंदर, सोइल के अंदर कितना पानी है ये बात जो है अफेक्ट करती है किसको, ट्रांसपिरेशन को, ठीक है, कि कितना जो है वाटर अपटेक होगा उसको। सोइल सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है हाइपोटोनिक है, ठीक है। बाहर अगर जैसे मान लो बाहर जो है पानी है ही नहीं, अंदर ज़्यादा पानी है रूट हेयर में, तो रूट का तो पानी बाहर आ जाएगा, तो बाहर जो है पानी ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास जो है वो अच्छा रहता है वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए। एरेटेड सॉइल जो है वो अच्छी रहती है, एरेटेड सॉइल जिसमें मतलब ऑक्सीजन वगैरह पर्टिकुलर अमाउंट में हो, क्योंकि एरेटेड सॉइल के अंदर सॉइल जो रूट है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। वाटर लॉगिंग के अंदर रूट हेयर जो है, वाटर लॉगिंग वो होती है जहाँ पे बहुत टाइम तक जो है उस मिट्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, रूट हेयर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, तो इस वजह से वाटर का अब्जॉर्प्शन भी जो है वो अच्छे से नहीं होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, सिम्प्लास्ट जो है वो सेल के बीच में से होता हुआ आ रहा है, एपोप्लास्ट जो है वो कॉर्नर का यूज़ कर रहा है और कॉर्नर में कोई एनर्जी वगैरह नहीं लगती। ये सिर्फ है कि पानी को मिट्टी से जाइलम पे कैसे पहुँचाए, और ये जाइलम के ऐसे पाइप है पूरे, ठीक है, ये जाइलम पे ऐसे पाइप है, ऐसे नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे पाइप है। अभी तो लेटरल मूवमेंट हुई है वाटर की ना, ऐसे इस तरीके से आया है वाटर जाइलम तक, अब ये ऐसे जाइलम से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट।